पूर्वांचल की राजनीति में पिछले दो महीनों से मुख्तार अंसारी का नाम खूब चल रहा है, लेकिन इसमें एक फर्क है। पहले जहां बाहुबली विधायक का नाम रसूख, दबंगई और सियासी वजहों से चर्चा में रहता था, अब पुलिसिया कार्रवाई को लेकर चर्चा में है। गाजीपुर, मऊ से लेकर लखनऊ तक मुख्तार अंसारी के नेटवर्क के पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुख्तार के कथित नेटवर्क की करोड़ों की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई है और आय के स्रोत पर भी चोट पहुंचाई गई है। इस बीच मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर पंजाब की एक जेल में बंद बाहुबली विधायक के स्वास्थ्य से जुड़ी है। पंजाब के एक मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार अंसारी की सेहत को काफी नासाज पाया है और उनके लिए 3 महीने का बेड रेस्ट लिख दिया है। आइए मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट में क्या है इसे हम आपको बताते हैं। मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट पंजाब के रूपनगर के सिविल सर्जन के ऑफिस से जारी की गई है। मुख्तार अंसारी को डायबिटीज की समस्या बताई गई है। इसके अलावा स्लिप डिस्क के साथ डिप्रेशन की भी दिक्कत है। ऐसे में एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम ने 3 महीने के बेड रेस्ट की अनुशंसा की गई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को एक शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मुकदमे में प्रयागराज स्थित MP MLA कोर्ट में पेश करना था। यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लाने की तैयारी में थी, तब तक पंजाब से यूपी सरकार को मुख्तार अंसारी की सेहत से जुड़ी रिपोर्ट भेज दी गई। फिलहाल मुख्तार अंसारी के परिवार पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। मुख्तार की पत्नी आयशा जहां गैंगस्टर केस में वांछित है, वहीं उनके दोनों बेटों पर लखनऊ में अवैध संपत्ति का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है। पुलिस के मुताबिक अभी सभी भूमिगत है। आपको बता दें कि गाजीपुर के महुआबाग स्थित मुख्तार के गजल होटल पर भी कार्रवाई होने वाली थी। बता दें कि होटल के पहले तल को पूरी तरह से और भूतल को आंशिक रूप से ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। हालांकि ये मामला कुछ दिनों के लिए टलता नजर आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर जिलाधिकारी के यहाँ एक अपील दर्ज की गई है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।